रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर
बद्रीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को, सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाश पति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए, धीरज विश्वास प्रेम से सपने उसकी रक्षा की, एक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ, जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे, लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए, विष से पीड़ित श्यामा आए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने, प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, आवो हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित एम बी रेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए, ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बन कर आए काशीनाथ उपासनी, बाबा निरोग कर दिए उपासनी महाराज बन गए, प्रेमी भयभीत हो उठे जब ऐसा आया शिरडी ने, दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को,
तेरी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव मूर्ति थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बाड़ा बनाए। ये है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे, जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद